हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंस है जो मेरे एमकॉम के जो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस आया है मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा अपना ये यूट्यूब पेज है। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो तो मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, इधर से लिंक दिया हुआ है। एंड फ्रेंड्स, एमकॉम के रिलेटेड काफ़ी वीडियो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। केटी के प्रोसेस कैसे, एमकॉम के कैसे प्रोसेस है, तो आप इधर से भी देख सकते हो मेरे वीडियो में जाके। तो चलिए फ्रेंड, हम मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे जाते हैं और देखते हैं कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने हमारे एमकॉम के फ्रेंड लोगों के लिए क्या अपडेट लाया। सिर्फ एमकॉम के फ्रेंड लोगों के लिए नहीं लाया, ये साथ ही साथ बीकॉम, बीएससी, आईटी सबके लिए लेके आया है। तो मैं आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पर लेके जाता हूँ और यहाँ से जरा हम नीचे आ जाते हैं और एक नोटिस के ऊपर देखते हैं। देखिए, आप लोगों को, सभी लोगों को एडमिशन डेट दिया हुआ था, ठीक है, जो 31 अगस्त लास्ट डेट था इसका एडमिशन करवाने का। बट एक लेटेस्ट अपडेट फिर से दिया है मुंबई यूनिवर्सिटी ने, जिसे मैं ओपन करके आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि द मुंबई यूनिवर्सिटी का आ गया, आइडियल्स का है वो भी आपको दिखा दिया जा रहा है। देन इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी नोटिस है, जैसे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है मैं आप लोगों के सामने वही बताऊंगा। जैसे कि फ्रेंड्स, हमारे जितने भी एमकॉम के फ्रेंड थे, बीकॉम के फ्रेंड थे, बीएससी, आईटी, बीए जो भी थे, सबका एडमिशन का लास्ट डेट मुंबई यूनिवर्सिटी ने किया था 31 अगस्त 2019। ये तीसरा अपडेट था शायद, ये एक्सटेंड करने का डेट। तो अब भी मुंबई यूनिवर्सिटी ने लेट फीस तो रखा हुआ है, 150 रखा हुआ है, जब भी वही रखा हुआ है, लेकिन एक्सटेंड किया हुआ है डेट 30 सितंबर। तो मेरे फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं कराया है, उन लोगों के पास मौका है कि वो अब भी एडमिशन करवा सकते हैं। जिन लोगों का एडमिशन छूट चुका है, जो लोग गाँव गए हुए, क्योंकि मेरे को कुछ लोगों ने कॉल करके यही कहा था, तो इसी के लिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आपके पास अभी भी मौका है। और मुझे नहीं लगता कि मुंबई यूनिवर्सिटी इस 13 सितंबर के बाद अदर कोई मतलब अपडेट लेके आए, क्योंकि ये चौथा अपडेट है और ये लास्ट इनका राउंड है, जो उन्होंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने बाकियों में भी लिखा था, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद शायद कोई अपडेट नहीं आएगा। एक आप लोगों के लिए फाइनल राउंड है। अच्छा, किन किन लोगों के लिए एडमिशन 13 सितंबर तक है? तो जैसे कि आपके इधर दिख रहा है, बीकॉम, बीएससी, आईटी, बीए, ठीक है, फिर बाद में एमएससी, पीएचडी वाले जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोगों के लिए, एमसीए, देन एमकॉम पार्ट वन, एमकॉम पार्ट टू, एमए पार्ट वन, एमए पार्ट टू, इन सभी फ्रेंड लोगों के लिए फिर से एक बार मौका है। अगर आप लोगों ने एडमिशन नहीं करवाया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ करवा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जिन लोगों को नहीं पता है कि 13 सितंबर लास्ट डेट है एडमिशन का, उन सभी लोगों को पता चले और उन्होंने अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो वह एडमिशन ले और अपने लाइफ में आगे बढ़े। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।